गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखो अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैंटिलीवर बल्क हेड का। जो कैंटिलीवर बल्क हेड का जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप, एक है फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड, एक है हम लोग का फिक्स अर्थ सपोर्ट मेथड, ठीक है। और जो और एक टॉपिक हम लोग का दिया है वो है स्लम्स इक्विवेलेंट मेथड। तो ये तीन ही मेथड है, हम लोग को बोला है कि इसका जो मेथड ऑफ डिज़ाइन है फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड और एक और वो आएगा दो टाइप ऑफ सॉइल में, एक है क्वेश्चन लेस सॉइल और क्वेश्चन सॉइल, दोनों में अलग अलग आएगा। और एक फिक्स अर्थ सपोर्ट मेथड जो हम लोग क्वेश्चन लेस सॉइल लेंगे और उसको स्लम इक्विवेलेंट मेथड भी बोलते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल का कुछ बोला नहीं गया, फिर भी मैं न्यूमेरिकल वगैरह इसमें दिया हूँ ताकि हम लोग को क्या है इसमें न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन में आ सकता है, तो आने से के लिए क्या है कि हम लोग अभी तक प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो एंकर शीट फाइल है ये हम लोग क्या इसका और नॉर्मल जो शीट फाइल है इसमें डिफरेंस यही है कि हम लोग एंकरेज प्रोवाइड करते हैं सूटेबल डेप्थ में, है ना, कोई भी सूटेबल लेवल में। ये डिपेंड करेगा हम लोग का डिज़ाइन डाटा का ऊपर। और अगर एंकर अगर प्रोवाइड करेंगे अगर वो फोर्स उसमें वो क्या करेगा फोर्स देगा ताकि हम लोग जो शीट फाइल में एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, मतलब जो एंकर जब लोग प्रोवाइड करेंगे शीट फाइल में वो क्या करेगा एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन एडिशन टू लैटरल पैसिव रेसिस्टेंस। मतलब क्या है कि जो शीट फाइल है इसमें लैटरल पैसिव रेसिस्टेंस तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा सॉइल में, जब शीट फाइल हम लोग ड्राइव करेंगे सॉइल में तो लैटरल पैसिव रेसिस्टेंस उसमें मिलता ही है। इन एडिशन टू दैट वो क्या करेगा एंकर क्या करेगा एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो जो एंकर शीट फाइल है दो तरह का होता है, एक है फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड, एक है फिक्स्ड अर्थ सपोर्ट मेथड। ये फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड जो है जो उसका एंकर शीट फाइल है वो फ्री अर्थ सपोर्ट उसको तब कहेंगे जब उसका डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट कम रहेगा। ये क्या है छोटो एक शीट फाइल है, ठीक है, एक शीट फाइल है और इसका हम लोग यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट डी, ये होता है बैक फिल, ठीक है। ये जो डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट जब फ्री अर्थ सपोर्ट में डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट क्या रहेगा बहुत कम रहेगा और जो ये पाइल का जो टिप है बॉटम टिप है ये क्या करेगा रोटेट करेगा बॉटम टिप में, जो पाइल है ये यहाँ में ये पॉइंट में रोटेट करेगा, है ना। और इसमें क्या होगा इस तरह का रोटेट करता है कोई भी पॉइंट देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन द पाइल, मतलब कोई भी कॉन्ट्राफ्लेक्चर का पॉइंट उसमें नहीं रहेगा, कोई भी कॉन्ट्राफ्लेक्चर का पॉइंट उसमें नहीं रहेगा। अभी क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का मतलब होता क्या है, देखो ये होता है एक ऐसा लोकेशन होता है जहाँ में क्या होगा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मतलब एक पॉइंट है जहाँ में क्या होगा बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होगा। और अभी हम लोग देखेंगे फिक्स अर्थ सपोर्ट मेथड हम लोग क्या होता है। देखो फिक्स अर्थ सपोर्ट मेथड में क्या होगा एंकर पाइल को हम लोग क्या करेंगे फिक्स करेंगे अर्थ में, तभी हम लोग कहेंगे जब डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट जो है बहुत ज़्यादा लगे, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा रहेगा। और बॉटम टिप जो पाइल जो है वो फिक्स रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या काम करता है एज ए फिक्स जैसा लगता है, ये एज ए फिक्स काम करता है। जब तो पेमेंट कम करे कम रहेगा तो फ्री अर्थ सपोर्ट में तो ये फिक्स जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। यही है ये बॉटम टिप ऑफ द पाइल क्या होगा फिक्स रहेगा रोटेशन के अगेंस्ट में। और क्या होगा इसमें एक चेंजेस होगा, देयर इज अ चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द पाइल। ये क्या होगा कर्वेचर बीम का कर्वेचर में चेंज होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग इन्फ्लेक्शन, INFLEXION इन्फ्लेक्शन INFLEXION इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अभी कोई बता सकता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है ये क्या है कि कर्व जब कोई कर्व अपना डायरेक्शन चेंज करता है तब उसको हम लोग कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये तो मैथमेटिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट एट व्हिच अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑकर। तो एक कर्वेचर का ऐसा ऐसा करके चेंज हो रहा है तो ये होगा उसके इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि ऐसा कॉन्केव से कॉन्वेक्स होता है मतलब ऐसा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये देखो ये हम लोग एक एंकर शीट फाइल का डायग्राम भी हमें दिया है। तो ये क्या है कि शीट फाइल है यहाँ में हम लोग एंकर वगैरह प्रोवाइड करें, ये ग्राउंडेड टेबल है, ये हम लोग का डी है। तो क्या है कि ये जो फ्री अर्थ सपोर्ट और फिक्स अर्थ सपोर्ट डिपेंड करेगा डी के ऊपर। डी कम आने से फ्री अर्थ सपोर्ट, डी ज़्यादा होने से फिक्स अर्थ सपोर्ट। देखो सोचो ये डी का वैल्यू कम है, डी का वैल्यू क्या है कि ये होने से कम होने से क्या ये रोटेट करेगा, या हुआ डी का वैल्यू ज़्यादा होने से रोटेट नहीं करेगा, इसीलिए फिक्स और फ्री हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या है कि हम लोग डायग्राम दिखाएंगे एंकर शीट पर वॉल फ्री ऑफ सपोर्ट। ये है इसका एक डायग्राम, ठीक डायग्राम काफ़ी अच्छा से दिया है। इसमें देखो, इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि सॉइल क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, मतलब ये एंकर शीट पाइल का जो फ्री ऑफ सपोर्ट मेथड में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उसका बेसिक एजम्पन्स है कि हम लोग इसको सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम मैं ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब ऐसा हम लोग मान लेते हैं, हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में जब लोड आता है तो क्या होगा, ये ऐसे बेंड होगा, तो सेम सिंपली सपोर्टेड का जो जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ में एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और एंड ऑफ द मतलब इसमें क्या है, हम लोग ये मान लेंगे कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा सिमिलर टू दैट ऑफ द डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में जैसा डिफ्लेक्शन होगा इसमें भी डिफ्लेक्शन उसी तरह होगा, तो हम लोग यहाँ पे एफ लगा देंगे तो ये क्या होगा। देखो एक्टिव और पैसिव प्रेशर को अच्छे से समझना पड़ेगा टॉपिक को, जो पिछला जियोटेक्निकल वन में पढ़े हो ये सब टॉपिक को समझने के लिए। एक्टिव प्रेशर क्या होता है, जब रिटेनिंग वॉल मूव करता है अवे फ्रॉम द बैक फिन, और पैसिव प्रेशर का मतलब होता है जब रिटेनिंग वॉल मूव करता है टूवर्ड द बैक फिन, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ये एक्टिव केस देखो, यहाँ में ये एक्टिव जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ में एक्टिव जनरेट होगा, यहाँ में एक्टिव, यहाँ में एक्टिव, यहाँ में एक्टिव, और यहाँ में पैसिव जनरेट होगा डेल्टा एल का नीचे, और यहाँ में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, ये हमें पता रहना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ ए पोर्शन में पूरा क्या होगा, ये मूव करेगा अवे फ्रॉम द बैकफील्ड, यहाँ में क्या होगा ये मूव करेगा टूवर्ड द डेल्टा एल, मतलब ये बैकफील्ड नहीं है, ये हम लोग का फील्ड है। नेक्स्ट देखो एंकर शीट पर क्या होगा, ये पहला केस जो हम लोग फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड, हमने बोला फ्री अर्थ सपोर्ट मेथड मतलब डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट कम रहेगा और ये क्या होगा रोटेट करेगा अबाउट द बॉटम टिप पॉइंट। तो इसकी स्टेबिलिटी किसका ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी दो चीज का ऊपर डिपेंड करेगा, एक है पैसिव अर्थ प्रेशर जो तो पहले से ही होता है, और इन एडिशन टू पैसिव अर्थ प्रेशर ये डिपेंड करेगा एंकर फोर्स पे, जो एंकर फोर्स हम लोग देंगे, एंकरेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में लिखा है, ये हम लोग का ये डायग्राम में हम लोग को दिया है, ये हम लोग का क्या है इसका एंकर है। जो एम्बेडमेंट डेप्थ हम लोग का इसमें क्या होगा, अगर हम लोग एंकरेज प्रोवाइड करते हैं एंकर शीट पैल में, जो एम्बेडमेंट डेप्थ है ये बहुत ही कम होगा विथ कंपेयर टू कैंटिलीवर शीट पैल। तो इसीलिए ये मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पाइल का जो ओवरऑल लेंथ है वो क्या होता है कम हो जाता है, और जो एडिशनल कॉस्ट है एंकर का उसको हम लोग हमेशा कंसिडर कर लेते हैं, जो एंकर का जो कॉस्ट है वो ये एंकर शीट पाइल का इकोनॉमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंकर के एडिशनल कॉस्ट को भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग को दो तरह का कंस्ट्रक्शन हम लोग को होता है ना। तो और इसमें एक इसमें हम लोग क्या पता करना है, डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट जो है डी हम लोग को डिजाइन में यही हम लोग को पता करना है। तो इक्वेशन जो होता है इसमें क्या है कि ये जो डी है ये हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेटली ड्राइव करेंगे कोहेशनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल के लिए, अलग अलग से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये डायग्राम को तुमको अच्छा से देखना पड़ेगा, देखो ये जो हम लोग को जो टेंशन हम लोग को दिया है ना, जो हम लोग को एक्चुअल एंकर फोर्स को हम लोग इसको टेंशन कहेंगे, इसका और बॉटम का जो फील का डेप्थ है डी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का जी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वो पॉइंट है जो जी एन जो होता है ए एफ जेड वन रहेगा, ये ओवरऑल डेप्थ डी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक ए मानते हैं। ये जो है ये हम लोग क्या है कि डायग्राम जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है ये हम लोग क्या है कि दिया हुआ रहेगा। अभी तुम बोलोगे ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सर आया कहाँ से, देखो अगर बोलोगे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये हम लोग कहाँ से आया, तो मैं ये बताऊँगा ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम लोग का आया है, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम लोग को कहाँ से आया है, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम लोग का आया है जो इसका फील्ड में स्टडी करा है उसी ने हम लोग को ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, मैं इसी पेज में कर रहा हूँ, इसी पेज में हम लोग इसके एनालिसिस करें। देखो जो फोर्स है ये जो पाइल में एक्ट करेगा, इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे जो मटेरियल है जो डेड लाइन का अबव और बिलो है वो क्या है कोहेशनलेस सॉइल, क्योंकि ये टॉपिक ही है एंकर शीट पाइल इन कोहेशनलेस सॉइल। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन को लिख सकते हैं टी प्लस पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं टी प्लस पी टू माइनस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, ये हम लोग लिख सकते हैं।
देखो इसमें क्या है, ये हम लोग का पी वन है, ठीक है, ये हम लोग का ए डायरेक्शन में पी टू है, ए डायरेक्शन में टी है। तो हम लिख सकते हैं टी ए डायरेक्शन में, पी टू ए डायरेक्शन में, पी वन अपोजिट डायरेक्शन में, तो टी प्लस पी टू एक डायरेक्शन में, पी वन माइनस होगा इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हम लोग को बन जाएगा। और टी जो है ये है हम लोग का टेंशन फोर्स जो हम लोग एंकर में लगेगा। अभी देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें ये मान लेते हैं कि जो ए है इसमें ए क्या है हम लोग का, ये एक डेप्थ है जो क्या करता है वो पॉइंट ऑफ जीरो प्रेशर को जो एम्बेडमेंट लेवल से हम लोग उसको डिटरमाइन करना जरूरी है ए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ए ए पॉइंट का। उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग क्या है कि प्रेशर और एक्टिव प्रेशर को सॉल्व करेंगे इक्वेट करके, क्योंकि हम लोग पता है ए पॉइंट में क्या है तो प्रेशर जीरो है, तो इसके ऊपर का जितना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ए का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे देखो, ए कैसे मिलेगा, जैसा एक्टिव प्रेशर केस और पैसिव प्रेशर को उसको इक्वेट करेंगे, मतलब एक्टिव माइनस पैसिव इक्वल टू जीरो, ऐसा ही होता है। तो गामा इंटू एच प्लस ए इंटू के माइनस गामा इंटू के पी माइनस माइनस गामा इंटू के पी इंटू ए के पी इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। गामा इंटू एच प्लस ए, देखो ए एच है ए ए है, दो पूरा को हम लोग एक्टिव मान लिया और एक्टिव प्रेशर का यूनिट कोफिशियंट क्या के, और ए साइड में हम लोग लेंगे ए बॉटम पोर्शन को लेंगे, तो गामा इंटू के पी, क्योंकि हम पैसिव मान लेंगे तो यहाँ में के पी हम लोग यूज़ करेंगे, और इंटू ए का हाइट ए है तो ए से इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोग को ए का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें ए का इक्वेशन हम लोग का आएगा के इंटू एच, के इंटू एच इंटू के पी माइनस के ए, ये हम लोग का आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे प्रेशर हम लोग पता करेंगे, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है बॉटम पे इसमें प्रेशर क्या आ रहा है हम लोग वो पता करेंगे। तो इसमें जो अगर प्रेशर है तो इसमें प्रेशर हम लोग कैसे पता करेंगे, टोटल प्रेशर, देखो टोटल प्रेशर पता करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं पी टू इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या देखो ये बेस है, गामा इंटू के पी माइनस के इंटू बी इंटू हाइट, हाइट क्या बी, बस यही क्वेश्चन हो जाएगा, तो बी 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 स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हाफ इंटू गामा इंटू के पी माइनस के इंटू बी स्क्वायर, तो हम लोग को पी टू का वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे सारे फोर्स का, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी सारे फोर्स का मूवमेंट लेंगे पॉइंट एम में, देखो पॉइंट एम में सारे फोर्स का मूवमेंट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, पी वन इंटू इसको देख लो, इसका ये पूरा चीज दिया है पी वन इंटू ए प्लस एच माइनस ई माइनस जेड डैश माइनस पी टू इंटू एच माइनस ई प्लस ए, है ना, प्लस टू थर्ड ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ए होगा, ठीक है। तो अच्छा देख लो, ये कुछ नहीं है, हम लोग क्या मूवमेंट लेते हैं पी वन और पी टू का अबाउट द पॉइंट एम, एम में लेंगे, तो टी ऑलरेडी एम पॉइंट में एक्ट हो रहा है तो टी का मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ये हम लोग करेंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में जो इसका पहले डेफिनेशन में जो पी पी टू का वैल्यू निकला था, मतलब पी टू का जो हम लोग इक्वेशन में जो वैल्यू जो फॉर्मूला निकला था वो पी टू को यहाँ में सब्स्टिट्यूट करेंगे करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो सॉल्व करेंगे तो वो हम लोग को और एक इक्वेशन मिलेगा, वो मिलेगा बी थ्री सॉरी बी क्यूब इंटू के पी माइनस के इंटू गामा बाई थ्री प्लस बी स्क्वायर इंटू के पी माइनस के इंटू गामा बाई टू इंटू जी प्लस ए, देख लेना इसको, माइनस पी वन बाई एफ इजल टू जीरो, ए इक्वेशन निकलेगा, मतलब पी टू पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है। और इसमें तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, ए इक्वेशन से डी को डिटरमाइन करेंगे, डी को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और जो डी होगा वो होगा बी प्लस ए, ए इक्वेशन में देख लो जो डी है वो बी प्लस ए है, ठीक है। और जो फोर्सेस है एंकर रॉड को उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे, टी इज इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू, ऐसे हम लोग फोर्स जो एंकर रॉड में डिटरमाइन करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जो पी वन और पी टू का वैल्यू है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से मिल जाएगा, पी वन क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हम लोग को मिल जाएगा। तो बस, और ये जो डी हम लोग को फाइनली मिलेगा, डी से क्या है, ये
डी का मतलब है जो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है, ए डी को हम लोग क्या करेंगे 20% टू 40% हम लोग उसको इंक्रीज कर देंगे, तो 1.22 1.4 टाइम्स का डी हो जाएगा उसका फाइनल वैल्यू। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व का आगे अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम देखो फ्री आर्थ सपोर्ट मेथड क्वेश्चन सॉल्व का, ये तो मैंने सारे बता दिया। अभी देखो ए है, ठीक है, ए हम लोग क्या है प्योर सैंड है, हमें सैंड आएगा, ये हम लोग का फोर्स हम लोग का एक्ट होगा जो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, ये हम लोग जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है कुछ ऐसा होता है, यहाँ में एक्टिव 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 करके होता है, फिर ऐसे करके पैसिव पैसिव होगा। ठीक है, यहाँ भी एक्टिव होगा, यहाँ भी एक्टिव होगा, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे आर्थ सपोर्ट मेथड कोई से भी सवाल देखेंगे, तो अभी जाकर इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं पॉज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पॉज कर देते हैं।